सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आ चुकी है एक और नई वीडियो, और अगर आपको पता हो तो मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे सजेशन पूछे थे कि मैं अगली वीडियो के लिए, मतलब कि इस वीडियो के लिए क्या कंटेंट लेके आऊँ। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे उस पोस्ट पे कमेंट भी किए थे और लाइक भी किया था, तो उन सभी को थैंक यू सो मच। और मैंने सबके कमेंट पढ़े थे, बट मैं सबके कमेंट सेलेक्ट नहीं कर सकती हूँ वीडियो के लिए, तो मैंने कुछ कमेंट को सेलेक्ट किया है। कुछ मतलब कि जो कमेंट कमेंट थे ना, उनको मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये रहे वो कमेंट जो कि चाहते थे मैं अपनी सारी आर्टवर्क दिखाऊं, शुरू से लेके अभी तक की। मैं भी काफी दिनों से सोच रही थी दिखाने के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में अपनी सारी आर्टवर्क दिखाने वाली हूँ, शुरू से लेके अभी तक की। मतलब कि शुरू से लेके, ये नहीं कि मैं अपने बचपन से लेके और अभी तक की दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अब बचपन की रखी नहीं है। बट जब लॉकडाउन लगा था ना, तब से लेके अभी तक मेरी सारी कलेक्शन मेरे पास है, तो मैं वो दिखाती हूँ। और वहीं से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी यूट्यूब की भी, तो मैं आपको सारी ड्राइंग्स दिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बट एंड में, ठीक है। तो चलिए फिर बातें कम, दिखाते ज़्यादा। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपनी इस ड्राइंग फाइल से, जिसमें मेरी सारी लॉकडाउन की ड्राइंग्स लॉक्ड हैं। तो ये मेरी जब की फाइल है, तब जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन लगा था, तो मैंने काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनाई थी। तब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, मेरे को शौक था उस टाइम कि मैं बस बना बना के, मेरे को ड्राइंग बनाने का तो शुरू से शौक था, तो मैं ड्राइंग बना बना के रखती रहती थी। एंड मैं इसमें सारी मेरी पेंसिल स्केचिंग है, मैं पहले पेंसिल स्केचिंग ज़्यादा करती थी, और आपको मैं ऊपर से दिखा देती हूँ। तो इसमें मेरी सारी पेंसिल स्केचिंग है, तो इसे मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या बनाया था, तो मैं पहले किस तरीके से ड्राइंग बनाती थी, तो आपको भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है वीडियो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं ऐसी ड्राइंग्स बना बना के रखती रहती थी, और बस ऐसी अपनी फाइल को भरती रहती थी, क्योंकि इससे बस एक ही फ़ायदा था, मेरी स्किल इम्प्रूव हो रही है। बट किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था मैं कर क्या रही हूँ, बस अपनी अपने हिसाब से ड्राइंग बना बना के रखती रहती थी। तो एक दिन मम्मी ने मुझे आइडिया दिया कि, क्योंकि हमने काफ़ी यूट्यूबर्स को भी देखा था, क्रिएटर्स को देखा था, कि जो आर्टिस्ट होते थे वो अपनी ड्राइंग को दिखाते थे, तो मम्मी भी कह रही थी क्या घर में बना बना के रखती रहती है, तो ऐसा कुछ कर ताकि लोगों को भी दिखे और वो भी तुझे अप्रिशिएट करें तेरी ड्राइंग के लिए। तो मैंने भी सोचा हाँ मम्मी सही कह रही हो आप, तो दिखाना चाहिए और लोगों को खुशी होती है दूसरों को भी दिखाने से। और आज का वो टाइम है कि मैं अब आपको दिखा रही हूँ अपनी ड्राइंग्स आज। तो अभी जो आपने ड्राइंग्स देखी हैं वो इस फाइल की ड्राइंग्स हैं। तो अभी और भी ड्राइंग्स बची हैं जो कि मैंने आगे भी बनाई थी, जब मेरा यूट्यूब चैनल खुल गया था तो मैंने तब बनानी स्टार्ट करी थी, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको अपनी सारी ड्राइंग्स दिखा रही हूँ, तो आप लोग मुझे एंड में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी ड्राइंग, ठीक है। मैं भी तो देखूँ मेरी कौन सी ड्राइंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी ड्राइंग्स देखते हैं। तो जो मेरे चैनल पे बहुत पुराने हैं ना, मतलब कि जिन्होंने मुझे शुरू से सब्सक्राइब कर रखा है, वो जानते हैं कि मैं पहले पेंसिल स्केचिंग करती थी। मतलब कि आप अगर मेरी पिछली वीडियो पे जाके देखोगे ना, तो मैं पहले पेंसिल स्केचिंग करती थी। इस वजह से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी पेंसिल स्केचिंग, मतलब कि नॉर्मल स्केचिंग ड्राइंग से ही स्टार्ट करी है। बट तो धीरे धीरे करके मैं अपने मेथड को चेंज करती रही, और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी ड्राइंग्स में, और मैंने अपना बिल्कुल ही मेथड चेंज कर दिया पहले से लेके अब। तो आगे बढ़ते बढ़ते मेरा ध्यान फिर चला गया एनिमे में, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो एनिमे ड्राइंग करते थे, और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो कॉन्सेप्ट, तो मेरा भी बहुत मन करने लग गया एनिमे ड्राइंग करने का। तो मैं फिर धीरे धीरे एनिमे ड्राइंग्स करने लग गई, और एनिमे ड्राइंग में भी मैं अपनी स्किल इम्प्रूव करती थी, क्योंकि एक अलग ही कॉन्सेप्ट आ जाता है एनिमे ड्राइंग में, रियलिस्टिक से अलग, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। और अभी तक आप देख सकते हो कि मैं
तो एनिमे ड्राइंग करना मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी अपने स्टाइल में ड्रॉ करना तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो आई होप आपको भी अच्छा लगता हो मेरी ये एनिमे अलग स्टाइल में देखना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं कहाँ से अपना रेफरेंस सेलेक्ट करती हूँ, तो मैं प्रिंटरेस्ट से अपना रेफरेंस सेलेक्ट करती हूँ। और आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर भी अपनी मैं ड्राइंग की रेफरेंस डालती रहती हूँ। Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. मैं बस लास्ट में एक ही टिप देना चाहती हूँ सभी लोगों को जो कि ड्राइंग्स बनाते हैं, बिगनर्स हैं, कि आप अलग अलग मेथड का यूज़ कीजिए, अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, अपने स्किल बढ़ाइए। ये एक दिन का काम नहीं है, ये काफ़ी सालों का काम है। जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये काफ़ी सालों का काम है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप लगे रहिए अपने काम में। तो चलिए फिर साथ में आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से मोटिवेटेड रहिए ये अपने काम के लिए। तो बस मुझे आपको इतनी ही एडवाइस देनी थी, तो आई होप आपको ये छोटी सी एडवाइस अच्छी लगी होगी मेरी तरफ से। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।